कलयुगी पुत ने किया अपनी ही मां का कतल, पहला करता रहा कुटमार, फिर धिया नाल मिलके वढ दिता गला। कतल तो बाद ट्रंक च लुकोई लाश। तो दस दे कि जिथे मां नू रब का दूसरा रूप कहा जाता है, पर अज दे इस कलयुगी पुत ने उसी रब के दूसरे रूप यानी कि मां का कतल कर दिता है। दस दे कि इस वालों अपनी दो धिया नाल मिलके मां का गला वढ दिता गया, जिस तो बाद इन्हां वालों अपनी मां की लाश नू ट्रंक दे विच लुको दिता गया, जो किसी नू भी इस गल का पता ना लगे। जिस तो बाद मृतक का पति जब घर आता है तो अपनी पत्नी नू लभण की कोशिश करता है, फिर आसे पासे लभ के आता है तो उसनू कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसी दौरान जब ट्रंक खोल के देखता है तो ट्रंक के उसकी पत्नी की लाश पई होंदी है। जानकारी मिलन तो बाद गली मोहल्ले चारे पासे सहम का माहौल बन जाता है, फिर इस संबंधी सूचना पुलिस नू दिती जाती है। तो पुलिस मामले की गंभीरता नाल जांच कर रही है। मृतक महिला के पति ने पुलिस नू जानकारी देंदे हुए दस्या कि वह खेत जाने तो पहला पत्नी नू मिल के गया सी, उसने रोटी बना के दिती सी। जब दोपहर बाद दे विच घर आउंदा है तो उसकी पोती तो जानकारी मिलती है कि दादी घर नहीं है। जिस तो बाद वह अपनी पत्नी नू लभण की कोशिश करता है, आसे पासे जाके देखता है, रेलवे ट्रैक से भी जाके देखता है, पर उसनू कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पोती ने ही उसनू दादी के कतल की जानकारी दिती, तो यह भी दस्या कि उसकी लाश जिहड़ी वह ट्रंक दे विच पई है। जिस तो बाद शख्स जब ट्रंक खोल के देखता है तो उसके विच पत्नी की लाश पई होंदी है, फिर इस संबंधी सूचना पुलिस नू दिती जांदी है। जिस तो बाद मौके ते पुलिस की टीम पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि इस परिवार के जिया वालों ही कतल की घटना नू अंजाम दिता गया, तो इस संबंधी जांच की जा रही है। तो दस दिए कि पूरा मामला यह बिहार तो सामने आया, जिथे यह कलयुगी पुत ने अपनी ही माँ का कतल कर दिता है, जिस तो बाद हुण पुलिस मामले की जांच के जुट गई है। पानी पटाने के लिए गए 8 बजे सुबह में, वो बोला कि चाप पी ले, नशा कर लेता दे जी पानी पटे। हम गए भाई एक केदा पानी पटे खा ले अपने बोले के खेते, बस वहाँ से चल गए हम पानी पटावे ना। पानी पटा करके ले आए थे बचिया की आई छोटकी अथी पोतिया, हमको जो कहता ऐसे पानी पटा ले, वैसे चाय ले बना के ले लेंगे। चाय हमको दिया 9 बजे में, 9 बजे में भी हुआ घटना हो गया, कई बजे हुआ से तो हमको मालूम नहीं, हमको कुछ बोला वोला नहीं कि नानी हो कि नहीं हो। से वहाँ से 2 बजे आए पानी पटा के, तो पूछे कि नानी के, तो नानी मिलबे नहीं करे। हमके कहाँ गए नानी से नहीं मिले हो, कल सारो पट्टी खोज लिए से मिलबे नहीं करे। आए तो हम भी काम करे खाते स्टेशन पर गली रह गए, हम बेटी आर काम चल गए हो तब झगड़ो हो तोरा से, तो कल के ना झगड़ा वगैरह नहीं होल से बोल के छोटकी हमारा से। अब बड़की से क्या झगड़ा हुआ कि एक बार भाग गया था लड़किया, तो बस उसी के लिए झनपटक हरदम करता था। आज क्या हुआ था? आज तो स्टेशन पर से खोज के आए तब नहीं मिला तो यहाँ पर देखे सब गोटा दरवाजा पर भीड़ लगा हुआ था, बैठा हुआ था। ये दोनों बहन आया घर में आया तो उसके बाद में बाद में बोला कि दादा होते दादा से डरा में हो नानी, हमके डरा में कहना चल गए निकाल रहा था अथी सब तोसा कर खंडा उंडा सब निकाला। हम भी आए दौड़ करके तो देखे तो उसमें मरा हुआ पड़ा हुआ एकदम, खून मुंह भी से भी खून है और गर्दन में भी कटा हुआ है। ये गर्दन भी कटल है। कौन काट दिया है गर्दन? हम तो नहीं देखे कौन काट दिया। ये काटा जब होगा तो यही लड़की ने कटा होगा, क्या कि लड़की भाग गया था, दो नंबर काम करती है। लड़की आपके कौन है? पोती है। क्या नाम है उस लड़की का? नजराना। लड़का का मंजूर। लड़का क्या करता? लड़का ऐसे लठाई खाली करता है, उसको हाथों तोड़ दिया था एक दिन मार करके, 2 महीना पहले हाथ औली सब तोड़ दिया। लड़का भी मारा है? हाँ लड़का भी मारा, हाथ तोड़ दिया था आज के दिन। आज कौन मारा है उसको? आपके पत्नी को आज कौन मारा है? वही दुल्हन ना मारा होगा माई बेटी या बेटा, बाप बेटी हुआ। मार के ट्रंक में छुपा दिया? ट्रंक में था, ट्रंक में छोटकी पोती बोला कि ये टंक में है, तब जाकर सब गोटा जा करके निकाले है। हम निकाल करके ले गए हम दरवाजा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंसूर खान। घर हरपुर बछा।